हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आईडी आज आपके साथ उपस्थित हूँ नए टॉपिक के साथ। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बीपीओ क्या होता है। बीपीओ की फुल फॉर्म बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सेस, मतलब कि ऐसे ऑफिसेस जो हमारे बिजनेस को आउटसोर्स करते हैं, ऐसे बीपीओ कहलाते हैं। कॉल सेंटर, ए प्रेमिसेस फॉर कस्टमर सर्विसेस, जहां पर कस्टमर से रिलेटेड कस्टमर की सारी क्वेरी एंड कंप्लेंट को रिजॉल्व किया जाता है, ऐसे प्लेटफॉर्म को कॉल सेंटर कहा जाता है। टेलीकॉम सेक्टर, टेलीकॉम में मोबाइल और टेलीफोन नेटवर्क से रिलेटेड सारी कंप्लेंट क्वेरी रिजॉल्व होती है, उसको टेलीकॉम सेक्टर कहा जाता है। ठीक है, इसमें जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम ले सकते हैं वोडाफोन है, एयरटेल है, रिलायंस जियो है, ठीक है, आइडिया है, ये सब टेलीकॉम सेक्टर से रिलेटेड वर्क है। इसी तरह ई कॉमर्स, आजकल ई कॉमर्स काफी मार्केट में है, ये मार्केटिंग रिलेटेड सेक्टर जो होता है उसको ई कॉमर्स कहा जाता है, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ईबे, ये सब ई कॉमर्स सेक्टर के अकॉर्डिंग अंदर कराते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे। दोस्तों, अब मैं आपको कॉल सेंटर के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, कॉल सेंटर दो प्रकार के होते हैं, एक इनबाउंड कॉल सेंटर, एक आउटबाउंड कॉल सेंटर। दोस्तों, इनबाउंड में कॉल्स लैंड की जाती हैं, कॉल्स आती हैं, और आउटबाउंड में हम कॉल्स करते हैं जो हमारी कॉल सेंटर से कॉल्स की जाती हैं एग्जीक्यूटिव के द्वारा। दोस्तों, इसमें भी दो प्रकार के होते हैं, एक फ्रंट एंड और दूसरा बैक एंड। फ्रंट एंड मतलब जैसे किसी कस्टमर ने कॉल किया और जो कॉल रिसीव करता है जो एग्जीक्यूटिव, उसको फ्रंट एंड सर्विस कहते हैं। इसी तरह से बैक एंड होता है, बैक एंड मतलब अगर कस्टमर की कोई कंप्लेंट है, उस पर कुछ काम करके उसको क्लोज करना है, तो उसके लिए हमारी एक बैकएंड टीम होती है, जो बैकएंड में मतलब वो कस्टमर से डायरेक्ट इंटरेक्टेड नहीं होती, वो उस क्वेरी को रिजॉल्व करती है, उसको बैकएंड टीम कहा जाता है। इसी के आगे दो कंपोनेंट, दो पहलू बताता हूँ। इसमें किसी भी ऑफिस में मैनेजमेंट और सर्विसिंग दो तरह की सर्विस होती है। तो मैनेजमेंट में क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। मैनेजमेंट एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है किसी भी ऑफिस का, जो मैनेज करते हैं सब लोग। इसको बताना चाहूंगा, मैनेजमेंट में हमारे सबसे पहले ऑपरेशन आता है। ऑपरेशन मतलब जो ऑप्स टीम होती है, ये इसमें सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट यानी एसएमई, टीम लीडर, एएम, मैनेजर, सीनियर मैनेजर एंड अबव और भी डिविजन होती हैं। इसमें आपको बताना चाहूंगा इनका काम होता है कि कैसे फ्लोर को मेंटेन करना है, कैसे फ्लोर पे ट्रैकिंग करनी है, और जो हमारे कैंडिडेट्स जो एडवाइजर्स फ्लोर पे काम करते हैं उनको कैसे परफॉर्मेंस के लिए, बेटरमेंट के लिए कार्य कराया जाए और किस तरह से काम किया जाए, ये ऑप्स टीम का वर्क होता है। दोस्तों, क्वालिटी टीम, क्वालिटी टीम के बारे में आप जैसा कि नाम से ही समझ रहे होंगे, क्वालिटी मतलब जो काम होता है, जो जॉब, जो वर्क होता है, उसको क्वालिटी पैरामीटर से चेक करना और उनको फीडबैक देना। यानी कि अगर कोई कॉल सेंटर है तो वहां पे जो कॉल्स ली जाती हैं उनमें किस तरह की स्किल्स हैं, किस तरह के कम्युनिकेशन सेट रखे जाएं, क्या किस स्टाइल में, किस अटेंटिवनेस के साथ बात की जाए कस्टमर से, ये सब चीजें क्वालिटी टीम शेयर करती है। टाइम टू टाइम सेशन भी अटेंड करती है ताकि हमारे एग्जीक्यूटिव्स को और अच्छा बनाया जा सके और परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती रहे। दोस्तों, ट्रेनिंग डिपार्टमेंट, ट्रेनिंग का मतलब आप समझते ही हैं। ट्रेनिंग फर्स्ट फेज होता है एक हमारे एग्जीक्यूटिव से इंटरेक्टेड करने का। दोस्तों, ट्रेनर ही जो एग्जीक्यूटिव्स आते हैं उनको प्रोडक्ट की नॉलेज के साथ साथ कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग और उनको उठने बैठने का ढंग, हर सब कुछ चीज वो ट्रेनिंग से ही इंटरेक्टेड होती है कि किस तरह से इम्पोस्चर वे में बैठकर हम अटेंटिवनेस के साथ कॉल ले सकते हैं, ताकि हम बेटरमेंट के साथ कस्टमर को और अच्छा फील करा सकें। दोस्तों, इसके अलावा एक डिपार्टमेंट MIS एंड WFM भी होता है। MIS जो भी कार्य होता है उस सब को, डेटा को ट्रैक करता है, डेटा को मेंटेन करता है कि कितना कार्य हो गया है और कितना पेंडिंग है, और उस डेटा को रिप्रेजेंट करता है डैशबोर्ड और रिपोर्टिंग के माध्यम से। ये सब डेटा हमारे मैनेजर्स, सीनियर मैनेजर्स एंड अबव जो भी आगे लाइन्स हैं उन सबको प्रेजेंट किया जाता है, उससे ही कंपनी की ग्रोथ और ये सब चीजें मेजर की जाती हैं।
दोस्तों एचआर डिपार्टमेंट से तो आप भली बात ही परिचित होंगे। एचआर डिपार्टमेंट किसी भी कंपनी का मुख्य डिपार्टमेंट होता है, यहीं से सारी रिक्रूटमेंट होती है, सारे रूल्स एचआर के थ्रू बनाए जाते हैं, एचआर एम्प्लॉई वेलफेयर को भी काम करता है, एचआर टाइम टू टाइम आरएनआर एक्टिविटी कराता है जिसमें कि एम्प्लॉयज को अप्रिसिएट किया जाता है, उनको रिवार्ड दिया जाता है। क्या एक और डिपार्टमेंट आईटी होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो किसी भी कंपनी में होता है, ये कोई भी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से रिलेटेड वर्क करते हैं, इनको आईटी डिपार्टमेंट से नोट किया जाता है। मोस्टली एग्जीक्यूटिव्स के साथ इनका कम ही वार्तालाप होता है क्योंकि ये बैकएंड पे टेक्निकल सपोर्ट देते हैं। दोस्तों दूसरी चीज आपको बताऊंगा, ये सब मैंने आपको मैनेजमेंट के बारे में बताया, अभी हम आपको बताते हैं सर्विसिंग के बारे में कि कॉल सेंटर या बीपीओ में किस तरह की सर्विसिंग होती है। तो सर्विसिंग में आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे किसी भी एक कॉल सेंटर को ज्वाइन करने से पहले ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, या ई कॉमर्स सेक्टर में भी ये कार्य काम करने में सहायक होती है। आपको बताना चाहूंगा स्टाफ टाइम, स्टाफ टाइम होता है जितने समय कोई भी एम्प्लॉई एक कंपनी के लिए काम करता है, एक कंपनी में रहता है, ठीक है, कंपनी प्रीमिसेस में रहता है, उसको स्टाफ टाइम कहते हैं। मोस्टली ये 9 घंटे का होता है सारी कंपनियों में। लॉगिन टाइम, स्टाफ टाइम में किसी भी एम्प्लॉई का ब्रेक टाइम जुड़ा होता है, जैसे कि 1 घंटा ब्रेक टाइम होता है, इसमें भी 3 प्रकार के ब्रेक हो सकते हैं, ठीक है, वो कंपनी की अपनी इंटरनल पॉलिसी पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो लंच ब्रेक जैसे होता है, टी ब्रेक होता है, ये ब्रेक टाइम, इसको ऑक्स टाइम भी कहा जाता है। तो जब हम ब्रेक टाइम या ऑक्स टाइम को स्टाफ टाइम में से कम कर देते हैं तो लॉगिन टाइम बचता है, ये वही लॉगिन टाइम है। ऑक्स टाइम में आपको बता चुका हूँ, ऑक्स टाइम ही ब्रेक टाइम कहलाता है। अब बचा टॉक टाइम, टॉक टाइम जितने समय कस्टमर एंड कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव जो बात करता है, टोटल टॉक टाइम कहलाता है। बात करने के दौरान किसी भी कॉल को होल्ड पे जब रखा जाता है तो जितना भी टोटल कॉल्स को होल्ड पे रखने में टाइम होता है उसे होल्ड टाइम कहते हैं। ACW टाइम, द टाइम बिटवीन ऑफ डिस्कनेक्टिंग द कॉल एंड डिस्कनेक्टिंग द करंट कॉल एंड न्यू कमिंग कॉल इज कॉल्ड ACW टाइम। कुछ लोग इसको रैप अप टाइम भी कहते हैं। रैप अप टाइम मतलब कि एक कॉल को खत्म हो जाने के बाद दूसरी कॉल के आने के बीच में जो समय होता है उसको ही हम रैप अप टाइम या ACW टाइम कहते हैं। दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, और आप हमें कुछ भी कमेंट्स में अपनी राय दे सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को भी शेयर करें। और मैं आपको बताना चाहूंगा, हम आपको अगले वीडियो में आपके साथ फिर प्रेजेंट होंगे नए वीडियो के साथ, एट्रिशन एंड श्रिंकेज। सो कीप वॉचिंग अवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। जय हिंद।